हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पेंटिंग की अनबॉक्सिंग। बेसिकली ये सब मुझे गिफ्ट में मिला था, कुछ ऐसे क्रिसमस गिफ्ट में मिले थे एंड कुछ थे जो कि आप बर्थडे गिफ्ट में मिले थे मुझे। आज मैं सारे इस कलर्स की अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं फैब्रिक कलर। गाइस, ये कलर जो होता है ये बेसिकली आपको जो हम लोग फैब्रिक कलर का बॉक्स लेते हैं ना, तो आपको उसमें नहीं मिलता। ये थोड़ा डिफरेंट कलर है, आप जैसे देख सकते हैं ये थोड़ा डिफरेंट येलो है एंड ये थोड़ा रेयर कलर है जो आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा, तो इसको अलग से परचेज़ कर सकते हैं आप। ये काफ़ी थोड़ा सा यूनिक था, मुझे अच्छा लगा ये। और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, देखने में फर्स्ट ट्रायल के लिए बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि ये कलर थोड़ा सा कैसा होता है ना, आपको बना बनाया कलर मिल जाता है तो वो एक अलग ही चीज़ होती है जब आप पेंटिंग करना चाहते हो तो। एंड दूसरा है गाइस ये फैबर कास्टल। गाइस ये है फैबर कास्टल। ये पेंसिल का सेट मैंने छोटा वाला वर्जन इसका यूज़ करा था, वो काफ़ी अच्छा था। उसका कलर वलर का जो शेडिंग था, मैंने रोनाल्डो की पिक्चर बनाई थी इसी कलर से। मेरा जो रोनाल्डो की पिक्चर है वो आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। उसका जो शेडिंग है वो काफ़ी अच्छा आता है। जो स्टार्टिंग में मैंने ज़्यादातर पूरा ही कलर यूज़ करा था ये वाला, उसके बाद जो एंड हुआ था मैंने उसमें दूसरा कलर ऐड करा था, क्योंकि वो मेरे पास नया कलर था तो मैंने सोचा क्यों ना उसी के साथ ट्राई कर सकूँ। आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, आपको पता चल जाएगा कि ये कलर आपके लिए कितना यूज़फुल है, क्योंकि हर आर्टिस्ट के हिसाब से एक कलर उसको सूट करता है जो उसके हाथ में बैठता है, जिसे उससे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी पेंटिंग कर पा रहा हूँ मैं इस कलर से। आप एक बार वो चेकआउट कर लेना। ये पूरा कुछ सेट इस तरीके से है इसका, एंड ये काफ़ी अच्छा है एक तरीके से पूरा सेट। एंड इसमें आपको देखो, आपको 48 कलर्स एक साथ मिल जाते हैं। इसकी बेस्ट चीज़ ये है गाइस कि अगर आप बिगनर आर्टिस्ट हो तो आपको कलर कंबाइंड, जैसे होता है ना कि हम दो कलर को मिक्स करके एक शेड बना रहे हैं, वो आपको जंबल नहीं करना पड़ेगा। आप इस तरीके से जल्दी से जल्दी अपनी पेंटिंग्स बना सकते हो और अपलोड कर सकते हो कहीं पर भी, जो क्रिएटर्स वगैरह के लिए उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक एक लेयर लगाओ फिर दूसरा लेयर लगाओ वो थोड़ा सा टाइम लेता है। उस हिसाब से ये सारे कलर अगर आपके पास अवेलेबल रहेंगे तो आपकी पेंटिंग जल्दी से जल्दी कवरअप हो जाती है ड्रॉ करने के हिसाब से। आई सजेस्ट कि ये काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा कॉस्टली है गाइस, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट है अगर आप शुरू कर रहे थे। इसको अनबॉक्स करने के बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा कलर। ये भी गाइस मुझे गिफ्ट में मिला है, मेरा बर्थडे प्रेजेंट है। देखते हैं कि ये एक्चुअली पैक्ड है बुरी तरह से, क्योंकि मैंने उसे ओपन करा था, इसे ओपन करने का एक्चुअली टाइम ही नहीं जाता मुझे, और मुझे गिफ्ट खोलने की एक्चुअली बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बट मैं इसे अनबॉक्स करना भूल गई थी। ये ओपन हो गया एंड गाइस कुछ इस तरीके से है, वो आप देख सकते हैं। इसका कुछ सेटअप भी इस तरीके से है, ये भी काफी अच्छा है कंपेयर टू अगर मैं इसकी बात करूँ तो। सी एज इन प्राइस वाइज आपको दोनों ही चीजें अच्छी मिल जा रही है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है एंड ये आपको पड़ेगा सी 120 रुपीज, एंड ये आपको पड़ेगा 480 रुपीज का। ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इसमें क्वांटिटी भी ज्यादा है कंपेयर टू इसमें, बट एज एन बिगनर आपको ये मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये काफी बेस्ट है, इसका कलर काफी अच्छा आता है अगर आपका बजट नहीं है तो। इसे साइड में रखते हैं एंड ये भी मुझे साथ में मिला था गाइस, छोटी सी डायरी है जिसपे हम बेसिकली कहीं पर पेंटिंग बना सकते हैं, छोटे मोटे ड्राइवर्स वगैरह कर सकते हैं। एंड दिस इज गाइस ओपन करते हैं, बट ये चल रहा से होगा। सो लेट्स राइट ह्यूज
सो गाइस इसे हमने बॉक्स में से निकाल लिया है एंड आप देख सकते हैं गाइस मैं इसको एक अनबोपन करके भी दिखा रही हूँ। इसका जो ब्रश है देख रहे हैं आप, ये तो अभी कड़क है बट आप इसका ब्रश देख सकते हैं राइट। इसकी स्मूदिंग बहुत ही अच्छी है सो ये मुझे अच्छा लगा। ये देखते हैं ये भी वही है ऑलमोस्ट, ये बेसिकली ये थोड़ा सा बड़ा साइज है। इसकी साइज है 5 और 8 और इसकी साइज है 1.2 एंड सेम गोज टू दिस 1.3 एंड दिस इज 1.4 एंड सी 1.4 ठीक है। एंड ये भी वैसे ही है बट ये सब में छोटा है, छोटे एरिया को कवर करने के लिए 1.8 ठीक है। तो ये था हमारा ब्रश। अब आती है हमारी बुक की बारी जिसपे बेसिकली हमें एक्चुअली पेंटिंग करनी है। सो ये है गाइस A4 साइज का, ठीक है। इसपे आपको किसी भी पोर्ट्रेट वगैरह जो A4 साइज के ऑर्डर आते हैं आपको, ये आप उसे इजीली उसमें पैक करके दे सकते हो बना करके, तो उसकी टच है। एंड गाइस इसका GSM GSM सो गाइस इसका जो GSM है 257 का मीन्स हम दे सकते हो 270 का। सो इसका हम पेपर देखते हैं कैसा है। हाउ वी कैन सी हाउ दिस पेपर वर्क, यहाँ यहाँ पे उनका बेसिकली थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग है एंड फिर तो पेपर की क्वालिटी गाइस ऐसे कैमरे में तो ऐसे पता नहीं चलेगी आपको बट आई सजेस्ट कि आप इस तरीके से देखिए जो इसकी चौड़ाई है, आपको इससे कहीं ना कहीं अंदाजा होगा इस पेपर का ठीक है। सो आप इस तरीके से पेपर्स चेक कर सकते हैं अगर आपको लेना है तो, इस मतलब लेस प्राइस में भी आपको लोकल मार्केट में मिल सकता है ये पेपर ठीक है। तो इस तरीके के पेपर पे भी अगर आप पेंटिंग बनाते हैं तो वो पेंटिंग काफी अच्छी रहेगी। और गाइस इसका पेपर जो है अगर आपको कैमरे में मैं दिखा सकती तो सी आप ये देख सकते हैं इसका पेपर जो है ना काफी स्मूथ है। इसकी देख रहे हो आप हल्का हल्का है, इसमें रफनेस है बट ऑलमोस्ट स्मूथ है। तो इसमें कैसे है ना कि आप इस पे वाटर कलर इजीली अप्लाई कर सकते हो, इसके साथ साथ आप पेंसिल कलर भी अप्लाई कर सकते हो बिकॉज ये पेपर वैसा है स्मूथ होने की वजह से ना आप इस पे दोनों भी यूज कर सकते हो मेरे सजेशन के हिसाब से। तो ये सारी चीजें थी गाइज जो कि इस पूरे वीडियो में थी। अगर आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।